दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्नेहा की बातें। और मैं हूं आपके दोस्त नेहा, लेके आई हूं आपके लिए आज एक नई रेसिपी। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में दाल बनाते हैं तो कई बार वो एक ही एक प्रकार की दाल खाकर हम बोर हो जाते हैं। तो आज दीजिए अपनी दाल को एक नया ट्विस्ट और मेरे साथ मिलकर बनाइए तुवर दाल विथ मेथी। और वीडियो को शुरू करने के पहले, अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी मेथी की तुवर दाल बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है सूखी मेथी, जो कि मैंने करीबन 1.5 टेबल स्पून सूखी मेथी ली है। इसे फेनुग्रीक लीव्स भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पर हमारी तुवर दाल। तुवर दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके कुकर में नमक और हल्दी डाल के 3 विसल तक कुक किया है। तो ये मेरी तुवर दाल है, करीबन 1 बाउल से थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए साबुत लाल मिर्च, जो कि मैंने 4 छोटी छोटी साबुत लाल मिर्च ली है। फिर हमें यहाँ पर चाहिए 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली 1/4 टीस्पून। आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो यहाँ पर रेड चिली बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर साबुत लाल मिर्च का भी प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कम मात्रा में करेंगे। फिर हमें यहाँ पर चाहिए 1 पिंच ऑफ हींग और राई। तो राई मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ली है। और इसके अलावा हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, तो 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल हम लोग डायरेक्टली पैन में ही लेंगे। तो बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। ऑयल हमने पैन में ले लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे हींग और हमारी राई। हींग और राई डालने के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च डालने के बाद हम इन्हें करीबन 30 से 40 सेकंड तक रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें मिर्ची को काला नहीं करना है। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक हमने दाल उबालते समय ही डाल लिए थे, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाले को सिकने देंगे थोड़ा सा और अब हम डालेंगे हमारी सूखी मेथी। आंच को अब हम धीमा कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम मेथी को करीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, इसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। तो ये देखिए मेथी हमारी कुक हो चुकी है, अब हम हमारी तुवर दाल इसमें डालते हैं। अगर आप अपनी रोज वाली रेगुलर सी वही दाल खा के बोर हो चुके हो तो अपनी तुवर दाल को आप दीजिए हेल्दी सा टंग ट्विस्टिंग टेस्ट और बनाइए अपनी दाल को आप और भी हेल्दी। अब हमें दाल को 1 उबाल आने तक कुक करना है। तो तैयार है हमारी स्वादिष्ट सी तुवर दाल मेथी के साथ। ये हेल्दी रेसिपी आप बनाइए, खाइए और आपको एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।